प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम शाम को 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात को 9 बजे से ये कार्रवाई की है। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, साथ ही फौरन सुनवाई की मांग की गई है। इससे पहले कल दोपहर में 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी के पास जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे और शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी 26 फरवरी 22 फरवरी 2 फरवरी और 17 जनवरी के साथ साथ 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके रात को ईडी के लॉकअप में ही रात कटी है और अरविंद केजरीवाल को आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहेगी। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फौरन फोन पर बात की है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं और कानूनी मदद का भी भरोसा देंगे।